जनपद में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों का जांच किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि हम लोगों के पास कोई भी डिटेल नहीं था कि जनपद में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसको देखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जितने भी मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उनकी भी सूचना संकलित करवाया जाए, जिसके संबंध में 14 बिंदुओं का फॉर्मेट निर्धारित किया गया है, उस पर सर्वे के कार्य के लिए शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। जनपद में जिलाधिकारी द्वारा हर तहसील पर SDM BSA अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम गठित की गई है। प्राइमरी स्तर पर सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है कि कहां पर बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी सूचना ही संकलित की जा रही है, बिना मान्यता वाले मदरसों को सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। अभी तक मान्यता वाले कुल 243 मदरसे जनपद में चल रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने कहा, हम लोग के पास कहीं भी यह डाटाबेस नहीं था कि जनपद में या प्रदेश में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं या उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जितने भी मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उनकी भी एक सूचना संकलित कराई जाए। इस संबंध में निर्धारित 14 बिंदु का एक फॉर्मेट निर्धारित किया गया और उस पर सर्वे के कार्य के लिए शासन द्वारा निर्देश दिया गया। इस संबंध में जनपद गोरखपुर में भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक तहसील के SDM और उनके साथ BSA और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ हर तहसील में एक टीम तैनात कर दी गई है। प्राइमरी स्तर पर यह संकलन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। इस संबंध में कल 13 तारीख को शाम 5 बजे एक सभी SDM साहबान ADM साहबान के साथ बैठक रखी गई है, जिसमें इस संकलित जो प्राइमरी लेवल की सूचना है उस पर चर्चा होगी तथा आगे की रणनीति पर कि किस तरह से उस निर्धारित बिंदु पर सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाए उस पर चर्चा की जानी है। जो बिना मान्यता नहीं, इसमें कार्रवाई के अभी कोई ऐसा निर्देश नहीं है, क्योंकि मदरसे जब तक सरकारी सुविधा पाने के लिए ही मान्यता लेते थे, यदि वो बिना मान्यता के हैं तो कोई सरकारी सुविधा स्कॉलरशिप या अन्य कोई भी अनुदान नहीं दिए जाते थे, लेकिन कार्रवाई का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सिर्फ ये एक डाटा संकलन है अभी प्राइमरी स्टेज का। गोरखपुर में तो कुल 243 मदरसे हैं, गैर मान्यता प्राप्त की अभी एग्जैक्ट सूचना नहीं मिल पाई है, ये आगे एक दो दिन में जो सर्वे का कार्य चल रहा है उससे कुछ अंदाज़ा लग जाएगा।